पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 4:48, स्थान दीनदयाल नगर, बीएल ब्लॉक। एक काले रंग की बाइक गुजरते ऐसा धमाका कि लोग दहल गए। एक महिला जो धमाके वाले स्थल से गुजर रही थी चीख पड़ी, मेरे कान के पर्दे फट गए। धमाके से आसपास के लोग दौड़ते हैं, तब तक बाइक बहुत दूर वेव सिनेमा वाली रोड पर निकल चुकी होती है। महिला के हाथ जख्मी हो गए। धुएं का गुब्बार उठता लोगों ने देखा तो जो जहां था वहीं ठहर गया। दीनदयाल नगर के बीएल ब्लॉक के कॉर्नर पर आईआईएम सैलून है, इसी के बाहर ये धमाका हुआ। ठीक सामने एफ ब्लॉक नवीन नगर लगता है। देखते ही देखते दोनों मोहल्लों के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। हल्ला मच गया कि बम ब्लास्ट हो गया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पहले लेपर्ड आई और फिर कुछ देर में डायल 100 भी आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक काले रंग की बाइक से एक लड़का गुजरा, उसी के कंधों पर नीले रंग का बैग था, उसी के गिरने से धमाका हुआ। कुछ ने कहा कि बैग गिराया गया है। बैग से एक किताब आसमान की ओर उछल गई, धुआं ही धुआं छा गया। बैग में रखी किताबों में आरआरके के 10वीं के छात्र का नाम लिखा था। लेपर्ड के सिपाहियों ने बैग समेटा और पूछताछ शुरू कर दी। सड़क पर बैग के कुछ टुकड़े भी छितर गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर और नवीन नगर में शाम 4:30 बजे तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन करीब 4:45 बजे अचानक तेज धमाके से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग अनहोनी की आशंका से घरों और दुकानों से निकलकर सड़क पर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब वो मौके पर पहुंचे तो एक चिथड़ा बैग पड़ा था, कुछ किताबें पड़ी थी और पन्ने उड़ रहे थे। पब्लिक टीवी की टीम ने लोगों से बात की तो सभी ने अपने अपने तरीके से दहशत बयां की। नितिन गुप्ता, क्या कौन सी जगह लगती है? ये नवीन नगर लगती है। क्या हो गया था यहाँ पर? यहाँ पर बम फटाया है अभी करीब 1 घंटे पहले, और एक लड़का बाइक से जा रहा था, उसके ऊपर उसके कमर पर बैग टंगा हुआ था और वो किसी स्कूल का बैग था, आरके स्कूल शायद, और उसमें 2 किताबें निकली। बम जैसे बड़ा तेज़ धमाका हुआ, एक लेडीज यहाँ से गुजर रही थी, उसके छर्रे लगे उस बम के, उसके बाद उसकी किताबें ऊपर किताबों के छर्रे हो गए, 2 किताबें बची थी और बैग फटा हुआ बैग पुलिस को सपोर्ट कर दिया गया। उस किताब में नाम लिखा था किशन और 10वीं आरके स्कूल का बैग था वो। कौन था वो लड़का, कोई इसकी जानकारी? लड़का पता नहीं लग पाया सीसीटीवी फुटेज में जितना आया, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज में बैग आई है, लेकिन जहां बम फोड़ा था उससे पहले उसने दोनों अपने कंधे पे से बैग उतार चुका था, फिर यहां फेंक कर इधर निकल गया आगे, फिर लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन वो हाथ नहीं आया। क्या सीसीटीवी वगैरह में ये चीज़ कैद हो गई है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। अजय दिवाकर, वार्ड 7 क्षेत्रीय पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। पार्षद जी, क्या मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ लगभग 4:47 पे एक लड़का आया जिसने एक बैग रखा, वो स्कूली बैग था, और तुरंत वो ब्लास्ट हो गया बैग, और ब्लास्ट इतने धमाकेदार था कि लोग यहाँ महिलाएं पुरुष बच्चे सब हजारों की संख्या में बाहर आ गए कि अचानक ऐसी क्या घटना हुई, सब लोग घर छोड़ के बाहर आ गए। अब वो स्कूल के अंदर कुछ किताब निकली जो कि ब्लास्ट में फट भी गई है, बैग भी फट चुका है, जिसमें 10वीं का है शायद वो बच्चा, और आरआरके स्कूल का है और किशन नाम लिखा है उस बुक्स में, तो ये 26 नंबर का रोल नंबर है उसका। ये भी अनुमान किया जा रहा, हो सकता है वो बच्चा, हो सकता है कोई और हो जो किसी का बैग लेके आके बम डाल के यहाँ चला गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस तहकीकात हो रही है यहाँ पर, LIU इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस आई यहाँ पर, संबंध बहुत सारे पत्रकार आए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी जाँच चल रही है। वो बैग वगैरह जो उसके बम के पुर्जे थे वो ले गए। एक महिला के हाथ पर भी चोट आई है यहाँ पर, जो महिला यहाँ से निकल के जा रही थी उसके हाथ से और कान पे खून निकला, वो महिला कहीं काम करने वाली थी चली गई बहरहाल। तो अब पता नहीं, दूसरा कांड है 3-7 महीने के अंदर, ये दूसरा कांड है, एक मुख्य पार्क में हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइन को सब जानकारी थी अजीत कुमार जी को, ये दूसरा केस हुआ है। तो ये पता नहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि नवीन नगर दीनदयाल नगर में कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जो यहाँ भ्रांतियाँ फैला रहे हों, इस टाइप से कुछ हमारी शांति भंग करना चाहते हों। तो ये एक हथगोला टाइप का था और जिसके अंदर एक बजरी का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि जिसके कण छर्रे टाइप के होते हैं, और एक जो पैकिंग की पॉलिथीन होती है, मतलब एक बनाया हुआ हथगोला था, देसी बम जिसे कहते हैं।
तो बहुत धमाकेदार आवाज में आया, आवाज बहुत धमाकेदार, जो कि कई सारे सिलेंडर एक साथ फट गए ऐसा महसूस हुआ, इसमें धुआं था, धुआं उड़ गया था, तो तमाम धुआं उड़ गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रही। अब यही है हमारा कि इसकी जांच हो, अगर कोई भी दोषी है तो उसे पुलिस कम से कम पकड़ के उसको सजा दे, ये हमारा सबका मानना है, जिससे यहाँ क्षेत्र में शांति व्यवस्था